इधर अभी बोरिंग हुआ है, ठीक है ना। इसके अंदर से ऑयल निकला, ये देखो, ये देखो, ये कच्चा तेल है ये वाला, और सुगंध भी आ रही है इसकी, कच्चे तेल की। चलते हैं दोस्तों, अभी जाते हैं एक दोस्त के पास में, और जब तक आज अपन बात करने वाले हैं, आपने थंबनेल के ऊपर देख लिया होगा, 75 डेज चैलेंज। ये क्या होता तो आज दोस्त बात करने वाले हैं हार्ड 75 चैलेंज की। तो आज मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया सवेरे से, तो अगर आप भी 75 चैलेंज के अंदर जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे आप अपना डेली वर्कआउट करके फ़ोटो शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना, और आपको टैग, मेरे को टैग कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो मैंने स्टार्ट किया 75 डेज हार्ड चैलेंज, 75 डेज। इसके अंदर आपको क्या करना है और इसका क्या रूल है, मैं आपको एकदम क्लियरली बता देता हूँ। तो इसका फर्स्ट ऑफ ऑल रूल है कि सवेरे 4 बजे उठने का, ठीक है गाइस। तो सवेरे 4 बजे उठने, और कम से कम बंदे की 8 घंटा नींद पूरी होनी चाहिए, ठीक है ना। 8 घंटा अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है तो ये भी चैलेंज के साथ में है, ठीक है। 8 घंटा नींद होनी चाहिए, 4 बजे उठना चाहिए। उठने के बाद अगर आपको सवेरे 4 बजे उठ के आपके कोई काम है तो आप उस काम को निपटा कर, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि आप उठते ही सबसे पहले आप अपने डेली रूटीन की एक्सरसाइज करो, वो नहीं है। इसके अंदर आपको सवेरे उठ के आप अपना काम करके जब भी फ्री हो, 9, 10, 11 बजे, 12 बजे जब भी फ्री हो, उस समय आपको क्या करना है, 45 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है, ठीक है ना। एक्सरसाइज में आपको जो अच्छी एक्सरसाइज लगे ना वो एक्सरसाइज करो। इसमें कोई ये नहीं है कि भाई अपने को कोई दूसरी एक्सरसाइज करनी है, हार्ड एक्सरसाइज करनी है, ऐसा कुछ नहीं। 45 मिनट तक आपको कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है। 45 मिनट करने के बाद में आपको दिन में कम से कम 4 लीटर पानी पीना है, ठीक है ना। तो आप तो हिसाब लगा लिया होगा कि यहाँ 4 लीटर तो मैं पी लूँगा। जब आप एक्सरसाइज करोगे ना तो 4 लीटर नहीं पी पाओगे, ठीक है ना। तो मैं भी वैसे पानी ज़्यादा पीता हूँ, पर मैंने एक्सरसाइज करने के बाद में ज़्यादा पानी नहीं पी पाया, ठीक है ना। तो पानी से क्या होता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता है। और 75 डेज के अंदर क्या होता है वो भी मैं आपको आगे बताऊँगा। और उसके बाद में आपको क्या करना है, आपको कोई भी धार्मिक बुक हो या XYZ कोई भी बुक हो, ठीक है, जैसे एजुकेशन के बारे में भी हो, कोई भी बुक हो, उसका 10 पेज पढ़ना है, ठीक है ना। 10 पेज पढ़ना उसका डेली। 45 मिनट सवेरे एक्सरसाइज करनी, 45 मिनट भी शाम को एक्सरसाइज करनी है। इसमें आप ऐसे डिवाइड कर सकते हैं, सवेरे 5 पेज पढ़ लिया, 45 मिनट एक्सरसाइज कर दी, और शाम को 5 पेज पढ़ लिया और 45 मिनट एक्सरसाइज कर दी। एक्सरसाइज करने के बाद में आपको एक सेल्फी लेके डालनी है आपकी डेली रूटीन की, ठीक है ना। और उसमें आपके स्टार्टिंग से लेके 75 डेज हो जाएगा ना, और कंटिन्यू आप सेल्फी डालते रहोगे ना, तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंज देखने को मिलेगा। और एक आपकी पूरी की पूरी आदतें हैं ना, गंदी आदत, वो सब छूट जाएगी। और हाँ, ये चैलेंज के बाद जब ये चैलेंज स्टार्ट करते हो ना तो हाथ को यूज मत करना, समझ रहे हैं ना। यानी एक्स वीडियो, ऐसा वीडियो कोई नहीं देखना आपको, फॉर वीडियो के एकदम पास में भी नहीं जाना, ठीक है ना। ये मतलब होता है, इसमें ब्रह्मचारी का पूरा ब्रह्मचारी रहना पड़ता बंदे को, ठीक है ना। अगर आप शादीशुदा हो तो भी आपको ब्रह्मचारी रहना पड़ेगा इसके अंदर,
ये चैलेंज के अंदर, और इसके अंदर आप सिगरेट, गुटखा, बीड़ी, तंबाकू कुछ नहीं खा पी सकते हैं, ठीक है। और इसके अंदर कोई भी बाहर का आइटम, जैसे ठंडा हो गया, फास्ट फूड, कोई भी चीज़ बाहर की चीज़, घर पे कुछ भी बना के खा लिया, ठीक है। बाहर से रेडीमेड बना हुआ आता है, उसके अंदर चटपटा ज़्यादा डाला हुआ आता है, तेल ज़्यादा डाला हुआ होता है, उसके अंदर आपके स्वास्थ्य के बारे में कुछ नहीं देखते, आपका स्वास्थ्य उनको कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो अगर आप बाहर से ला के खाते हो तो भी ये चैलेंज आप हार जाते हो, ठीक है। और इसके अंदर नशा कोई भी नहीं करना, पूरा ब्रह्मचारी का रहना है, ठीक है। और उस से आपको तेल का कुआं दिखाना है तो थोड़ा धागे से निकल जाएंगे। वैसे अपनी गाड़ी भगती बहुत है, ऐसे बस सोच रहा कि हमारे पास लोकल गाड़ी है, 125 cc है, फिर भी 120 चढ़ जाती है आराम से। ये देखो भाई, ये बहुत बहुत इतना खतरनाक है अंदर से, कभी इसके अंदर है ना जाने का मौका मिलेगा तो कभी कुछ ना कुछ यहाँ पर बहाना बना के अंदर जाऊँगा और इसके अंदर का आपको व्यू बताऊंगा। इतना फोटो है, ये नया स्टेशन चल रहा है, इधर हमारा एक और दोस्त रहता है इस कोठी के अंदर, यहाँ पर भाई आंध्रा का भैया है, वो इधर रहते हैं। ये है घोड़ों के स्टेबल यहाँ पर, ठीक है ना। ये लोग जारा नदी में रहते हैं, अभी इस साल रेस बंद है, लपड़ा चल रहा है, इस वजह से ये अभी इधर है, ठीक है ना। और अब तो आपको दिखाऊंगा तेल का कुआ, टैंकर वाले तुम धीरे चलो। ये देखो इसकी सुगंध आ रही है, घुसने की जगह है नहीं है यार, मैं आपको दिखाता हूँ, उधर से भी नहीं दिखेगी, इधर से ही दिखेगी। चलो मैं आपको दिखा के आता हूँ। ये इधर अभी बोरिंग हुआ है, ठीक है ना, इसके अंदर से ऑयल निकला, ये देखो, ये देखो, ये कच्चा तेल है ये वाला, और सुगंध भी आ रही है इसकी कच्चे तेल की, ठीक है ना। ये इधर बोरिंग किया तो ये देखो, ये पूरी जाली हो रखी है, पूरी गंदी हो रखी ऑयल से, उधर तक बहुत दूर तक गया हुआ है ऑयल। तो इसके अंदर है तेल का कुआ है एक, यहाँ पर जहाँ पर तेल निकलता है ना, उसको ऐसे ये जाली लगा कर इसको बंद कर देते हैं, ठीक है ना। उधर आपको दिखाऊंगा इसकी जो पाइपलाइन है ना, भाई साहब इतना ऑयल है ना, देखो आप कितना गिराया हुआ है, कम से कम ये 10,000 लीटर से ऊपर गिरा हुआ है, ये देखो। फिर ये लगेगा इसके ऊपर वाल वगैरह, ठीक है ना, ये वाल सिस्टम वगैरह लगेगा यहाँ पर। और एक इधर आगे कुआ है तेल का, वो देखो, वो एक तेल का कुआ है, यहाँ से पूरा जाता है रिफाइनरी में, देख लो एक, और एक उधर दो, ये तीन कुएँ हैं इतनी जगह में, ठीक है ना। तीनों कुओं से निकलता है तेल, ठीक है ना। और ये देखो, ये यहाँ पर है चौथा, ठीक है, यहाँ से जाता है डायरेक्ट रिफाइनरी में इसका, वो ये है ना, ये जो जाता ना तेल इसके अंदर से, इसका ये पाइप है, ये वाला, ये वाला,
ठीक है ना, इसके ऊपर से कुछ भी आप निकाल दोगे ना तो भी ये बैंड नहीं होगा, नहीं पिचकेगा। और इसके अंदर हीट प्रूफ वाली बैंडीज के मतलब पता नहीं कुछ ऐसा ही पदार्थ लगाया हुआ है, ये हीट प्रूफ रखता है, इसको हीट नहीं अंदर जाने देता है, ठीक है ना। और ये इधर सामने और है कुएं, वो देख लो उधर, ठीक है ना, ये इधर तक पाइप आया हुआ है इसका, यहाँ से भी आग गो के फिर सब पूरा पूरा रिफाइनरी में जाएगा। और कच्चे में बहुत खतरनाक सब ये देख सकते हैं, ऐसा होता है यहाँ पर तेल के कुएं, ठीक है ना, फिर बोलोगे बताया नहीं हमको, जहाँ पर तेल निकलेगा उधर ऐसे करके कवर्ड कर देगा और वहाँ का खेत है वो जो यहाँ की सरकार है उसके पास से ले लेगी, ठीक है ना। वो देखो एक और वो कुआ है तेल का, एक दो ये तीसरा भी इसके अंदर ओपन कर रहे हैं, ठीक है ना, तीन यहाँ पर भी है, छह कुएं हैं तेल के। वगैरह पड़े हुए हैं, ये सब कुएं था भाई, वो इधर भी मेरा एक दोस्त रहता है, लग गई यार बकेरा ही हो गई। अभी यहाँ पर खुदाई हुई है नए बोरवेल की जो पेट्रोल वाला होता है, ये इधर घोड़े का स्टेबल है तो इसलिए यहाँ पर देखो ये रोड सफाई किया है एकदम, ये इधर बंदा खेत में काम कर रहा है, वर्कर है, आई थिंक आंध्रा का होगा पता नहीं। इधर लगभग आपको इंडियन, बांग्लादेशी, तो पाकिस्तानी फिर भी कम मिलेंगे, चुड़ानी चुड़ानी अभी ज़्यादा हो गए, चुड़ान के इजिप्ट के, ठीक है ना। बाकी आपको सबसे ज़्यादा इंडियन ही मिलेंगे, इसको पता नहीं क्या नारियल नहीं बोलते, इसको कुछ और बोलते, खजूरी नहीं है ये, ताड़ है ऐसा कुछ है ये पौधा मेरे ख्याल से, ठीक है ना। और यहाँ पर देखो ये खेत के अंदर देखो एक दो तीन ट्रांसमीटर ये इधर हो गए, और दो देखो तीन दो पांच ट्रांसमीटर खाली इस इधर की तरह है, और उधर की तरह देखोगे ना आप जाके तो आपको ज़्यादा मिलेंगे। ये बांग्लादेशी है, ये इसके अंदर पता नहीं ऐसा क्या लगाया हुआ है यार, बहुत ज़्यादा यहाँ पर पैसा खर्च किया है, बनाया क्या पता नहीं। देखो पाँच ये दो दो चार पाँच छः सात ट्रांसमीटर इधर की साइड लगे हुए, उधर की साइड पता नहीं कितने लगे होंगे, ज़्यादा बड़ा भी ये नहीं है कि भाई ये बड़ा है छोटा ही, तो पता नहीं ये क्या बना रहा है पागल। वो देखो उधर की साइड में तीन चार उधर की साइड में भी लगे हुए, वैसे वाला बंदा है बहुत। ये आ गया अपना होम टाउन, अपना होम टाउन नहीं अपने दोस्त के, इधर से चलते हैं सीधा। सीधा चलते हैं, ओ तेरे पानी आया यार, कैमरे पे लगा पता नहीं, कैमरे पे लगा तो दिखेगा नहीं सही। ये ऑटोमेटिक वाला घूमने वाला है और ये इधर बंदे काम कर रहे हैं, इधर घास लगा रहे हैं सभी लोग मिलकर। आया नहीं
कहीं के हड़ा हड़ा थर तर तर थको थको की करो अडमाई ले होंगे ठंड में लो की टोड़ में उबरा को रूम उठ खा लो उन उबरा को माशाल्लाह। और दर्पण सिंह क्या हाल चाल है आपके? बस ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कैसे हो? बस ठीक है। ये दलपत सिंह का पूरा मजरा है और ये ऑन ड्यूटी आदमी है अभी। किधर उधर किधर?